पंच नहीं मानते तो जो पंच हैं उनको उनके अधिकार दे देंगे। अगर 9 तारीख को बातचीत सिरे नहीं चढ़ती, क्योंकि वे सीधा सीधा कहते हैं कि टेंडरिंग खत्म हो, तो ये फैसला लागू करने में कितना समय लगेगा? देखिए, आप आंकड़े देखिए, डेली इम्प्रूवमेंट। आज करीबन मैं ये कह सकता हूँ कि डेली के जो 4000 के आसपास पंचायतें अपने काम पे लग चुकी हैं, जिन्होंने प्रस्ताव पास करके एडमिशन अप्रूवल देने का काम किया है, और टेंडरिंग प्रक्रिया से वो काम अभी धरातल पर आपको आने वाले समय में नज़र भी शुरू हो जाएंगे। टेंडर दे भी दिए गए हैं, उनके एग्रीमेंट भी होने शुरू हो गए हैं। और कुछ जो हमारे सरपंच साथी कह रहे थे, हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि एक बार इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, इसमें अगर कहीं कोई समस्या आती है तो दोबारा बैठ के इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जिला परिषद नहीं मानते तो जो पंचों वाले, धन्यवाद जिला परिषद के मंत्री, तो बीच का रास्ता हो सकता है टेंडरिंग को। मैं धन्यवाद कहूंगा, अब मेरी फ्लाइट का टाइम है, प्लीज आगे मैं बहुत इसमें काफी हो गए सवाल आज के मेरे ख्याल से। थैंक यू वेरी मच। आज बैठक में क्या रहा? देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हमारा हरियाणा प्रदेश के जितने हमारे 22 जिलों के जो जिला प्रधान बने हैं उनसे सबसे मीटिंग की, और ये मीटिंगें आने वाले समय में भी 2-3 महीने में होती रहेंगी, जिससे हम हमारे जो पंचायत राज की जो स्ट्रेंथनिंग की बात है, फीडबैक लिया गया, उनको और मजबूती के साथ बढ़ा सकें ताकि वो आगे काम कर सके, उसको लेके उनसे फीडबैक लिया गया। और विभाग के अधिकारियों के साथ अभी दूसरी मीटिंग चली हुई है, उसमें भी अब अधिकारियों के साथ जो हमारे जिला लेवल पे CEOs हैं, हमारे चुने जो प्रधान हैं, उनसे सबसे चर्चा करके इसको आगे बढ़ाने के लिए आज ये मीटिंग बुलाई। किसी स्पेसिफिक एजेंडा पे? देखिएगा, पहले जो जैसे पंचायत राजों का राज के जो हमारे पंचायत हैं उनके क्या काम हो, हमारी समितियां हैं जो हमारे जो मेंबर चुन के आए हैं, प्रधान वाई प्रधान बने, उनके क्या काम हो, हमारी जो जिला परिषद है, हमारे जो चेयरपर्सन हैं, प्रधान बने हैं, मेंबर बने, उनका एक सबसे चर्चा करके उन कामों की जिम्मेवारियाँ उनको दे सकें, ताकि एक जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहूँगा, जो यहाँ डायरेक्टर से जो काम होता था वो नीचे हम जिला परिषद लेवल पर ले जा सकें। सर, ईटेंट्री को लेकर भी कोई बात हुई क्या, कुछ डिमांड बढ़ाने की, मतलब जो लिमिट? देखिएगा, चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाव सबके लिए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने 9 तारीख की मीटिंग बुलाई हुई है, उस पर जो भी हमारी पंचायतें बैठेंगी और माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस पर जो फैसला होगा, सरकार उस टाइम उनकी मांग सुनने के बाद उसे फैसला देगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है, हाँ, चंडीगढ़। हाँ, सरपंचों की तरफ से सरपंच प्रतिनिधि जो उनका एक बना हुआ है वो आकर मिलेगा। चेयरमैनशिप ट्रैवलिंग की लिमिट 3 किलोमीटर से वो करेंगे 5 की, वो सारे की सारे वो इंडिविजुअल है, वो एक उनकी तरफ से जो भी मांग आएगी उस पर सरकार विचार करेगी। आज की बैठकों में नहीं, आज तो आज 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 सिर्फ और सिर्फ कि हम जिला परिषद को कैसे स्ट्रेंथनिंग दे सकें, कौन से काम हैं जो जिला परिषद और कर सके, जैसे उदाहरण के तौर पे सिर्फ और पहले काम बताएंगे कौन से ऐसे काम सामने आए जो उन्हें दिए। जैसे मान लीजिए पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी जो हमारे 5 कदम के रास्ते हैं कि वो पंचायत हमारे जिला परिषद के द्वारा करवाई जाए, उनको हैंड ओवर लेने की बात है, और भी ऐसे कई प्रकार के जो कार्य हैं जो हमारी जिला परिषद कर सकें वो उनसे। गाँव के नालियाँ भी हैं? नहीं, देखिए गांव जो गांव का काम है हमारे पंचायतें हैं वो देखें, ब्लॉक लेवल के कुछ काम है हमारी ब्लॉक समितियां देखें, जिला लेवल पे क्योंकि दायरा बड़ा हो जाता है वो जिला परिषद देखें, उस पर ये चर्चा का आज ये मीटिंग का एजेंडा है। चर्चा ये भी चली हुई है कि जो 5 क्रम के राय थे जिला परिषद बनाएंगे उनकी सिर्फ जो पैचिंग का काम है वो कर पाएंगे? देखिएगा, जो पुराने बने हुए थे डिपार्टमेंट के द्वारा वो हमारी जिला परिषद उनको आगे देख रेख करेंगी, और नए विभाग के द्वारा बना के वो भी हमारी जिला परिषद को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इस प्रकार की अभी चर्चा चली हुई है, उस पर उनके सुझाव हैं सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से हैं, और हमारे जो चुने आए हैं प्रधान उनकी तरफ से हैं, उस पर सरकार एक फैसला लेगी। आने सर कि जो ये ई टेंडरिंग है ये सरकार को वापस लेनी पड़ेगी जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान? देखिए ये सरकार का फैसला है, मैं पहले भी आप लोगों के माध्यम से कह चुका हूँ, इसमें पारदर्शिता आएगी, समयबद्ध तरीके से काम होगा, और जो गांव धरातल पे एक गुणवत्ता के साथ डेवलपमेंट और लोगों को जवाबदेही, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी तौर पर है चाहे हम चुने प्रतिनिधि, हम सबकी बढ़ती है, उस पर सरकार ने फैसला लिया है, और हम सबका ये मानना है कि ये जनहित का फैसला है, प्रदेश का फैसला। आपकी पार्टी में 9 तारीख की मीटिंग क्या हो सकती है? जो 9 तारीख को मीटिंग है उसमें क्या होगा?
उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी उनका सुनेंगे, जैसे मांग पत्र मेरे पास आया था वो अपने जो मांगे हैं सामने रखेंगे, उस पर किन चीज़ों पर जो चीज़ें इंप्लीमेंट होने के लायक है उसको। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या इसकी लिमिट बढ़ सकती है, दायरा बढ़ सकता है पंचायतों को? नहीं देखिए, ये अभी कहना संभव नहीं है ना, मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद जो फैसला सरकार ने लिया है माननीय मुख्यमंत्री आवास के गिराव का भी ऐलान कर दिया है, इस तरह से पंचकुला में चंडीगढ़ करनाल में गिराव करेंगे। देखिएगा उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, हमने सरकार ने पहले भी दरवाजे खोले थे, हमने कहा एक प्लेटफार्म, हमने पहले भी उनको मौका दिया, मेरे पास आए, उन्होंने अपने मांग पत्र रखे, बहुत से उसके अंदर जो सदस्य थे जिलावार उनमें मोस्टली जो मांग थी उन पर कुछ ऐसे थे जिनको हम सरकार उस पर सोच सकती थी, हमने उनको आश्वस्त किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने प्रदर्शन करना उनका राइट है। अब भी माननीय मुख्यमंत्री ने 9 तारीख का टाइम दिया है, उस पर वो अपना मांग पत्र लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो इम्प्लीमेंट होने वाली उसको सरकार आगे बढ़ाएगी। मंत्री जी एक सवाल अब ये है, आपने कही थी कि अगर सरपंच नहीं मानते तो जो पंच हैं उनको उनके इत्तेहार दे देंगे, अगर 9 तारीख को बातचीत सिरे नहीं चढ़ती क्योंकि वे सीधा सीधा कहते हैं कि टेंडरिंग खत्म हो, तो ये फैसला लागू करने में कितना समय लगेगा? देखिए आप आंकड़े देखिए, डेली इम्प्रूवमेंट, आज करीबन मैं ये कह सकता हूँ कि डेली के जो 4,000 के आसपास पंचायतें अपने काम पर लग चुकी हैं जिन्होंने प्रस्ताव पास करके एडमिशन अप्रूवल देने का काम किया है, और टेंडर प्रक्रिया से वो काम अभी धरातल पर आपको आने वाले समय में नज़र भी शुरू हो जाएंगे, टेंडर दे भी दिए गए हैं, उनके उनके एग्रीमेंट भी होने शुरू हो गए हैं, और कुछ जो हमारे सरपंच साथी कह रहे थे हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि एक बार इसको इम्प्लीमेंट करवाइए, इसमें अगर कहीं कोई समस्या आती है तो दोबारा बैठ के इसको दुरुस्त करने का काम करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जिला परिषद नहीं मानते तो जो पंचों वाले, धन्यवाद जिला परिषद की जो सेकंड फेज की मीटिंग होनी है उसमें ये मीटिंग होती रहेंगी, बेटरमेंट के लिए मीटिंगें होती रहेंगी, महीने दो महीने के अंदर बार बार मंथली मीटिंग, ये चार मंथली हम मंथली मीटिंग करते हैं। अजय चौटाला के बयान को कैसे देखते हैं सर, उनका बयान? देखिए बड़े भाई हैं मेरे और कुछ सोच समझ के बयान देते हैं मेरे हिसाब से, और जो कोई बदलाव लेके आते हैं वो कहीं नहीं कि दीवानापन उनके अंदर होता है, तभी बदलाव आते हैं। सर शहरों की तर्ज पर गांवों को डेवलप करने के लिए आपका विभाग एक स्कीम लेकर आया था, पीछे काफी स्लो भी चल रहा था उस चीज का काम, आपने नहीं आप उसमें काफी हमने प्रोग्रेस विभाग के द्वारा की गई है, आप देखेंगे कि गली नाले से ऊपर उठ के कम्युनिटी सेंटर बनने शुरू हुए हैं, लाइटों के टेंडर कम्प्लीट हो चुके हैं, ई लाइब्रेरी के टेंडर लग चुके हैं और जिम के टेंडर लग चुके हैं, पार्कों की अब डिमांड आई है, व्यायामशालाएं हमने बनाई हैं, तो ये 9 सूत्रीय कार्यक्रम जो बार बार बोलता हूँ ये धरातल पर अब शुरू हो चुके हैं, रिजल्ट आने में जो समय लगना है वो लगेगा और वो जल्दी आपको एक बदलाव जो शहरीकरण की हम बात करते हैं वो गांव में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो बीच का रास्ता हो सकता है टेंडरिंग को, मैं धन्यवाद कहूँगा, अब मेरी फ्लाइट का टाइम है, प्लीज़ आगे मैं बहुत बहुत काफ़ी हो गए सवाल आज के मेरे ख्याल से, थैंक यू वेरी मच।